हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त अरविंद और मैं एक माउंटेन बाइकर हूं और आज मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा स्पीति वैली। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, स्पीति वैली बहुत ही ज़्यादा फेमस है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और जो लोग नहीं भी जानते, तो ये जगह जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और इसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है इस जगह की वो है कि ये सबसे ठंडा एरिया है हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फेमस डेस्टिनेशन है उनमें से है कि काजा, तिब्बत, धनकर मोनेस्ट्री, थानथांग, गोम्पा, कुंजुम पास, चिचिम ब्रिज, ताशिगोंग, इक्किम, क्योटो एंड ताबो मोनेस्ट्री। अगर हम बात करें जिस जगह पे मैं आपको अभी लेकर जा रहा हूँ, तो ये जो जगह है ये सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर एल्टीट्यूड की हाइट पर है। और जो अभी हम जिस जगह पे पहुँचने वाले हैं उस ब्रिज का नाम है चिचिम ब्रिज। एक्चुअल में अभी हम जहाँ पर चल रहे हैं वो तो है चिचिम गांव। ये कनेक्ट करेगा तिब्बर और चिचिम ब्रिज को ब्रिज के साथ। तो आगे देखिए, लोग यहाँ पे फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही यहाँ पे इस जगह पे सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये शिमला से अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और अगर आप मनाली से होकर आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 200 किलोमीटर्स की दूरी पर पड़ेगा। और बीच में आपको रोहतांग पास क्रॉस करके आना पड़ेगा, फिर देन आपको कुंजुम पास, फिर आप इस जगह पे पहुँचोगे। और टोटली मनाली के बाद जो रोहतांग से ऊपर जाके जगह है वहाँ से ये टोटली ऑफ रोड है। अभी रोड आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लो, तो हम पहुँच गए हैं अभी चिचिम ब्रिज। तो हम चिचिम गाँव को छोड़कर अब एंटर करने वाले हैं आपका किब्बर गाँव में। और किब्बर बहुत ही ज़्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये हिमाचल का नेशनल पार्क भी है और पिन वैली नेशनल पार्क और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये हिमाचल का सबसे जो वाइल्ड एनिमल है जिसका नाम स्नो लेपर्ड है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर है, मस्क डियर है, ब्राउन बियर तो है ही है, हिमालयन ब्लू शिप है यहाँ पर। सो अभी हम एंटर कर गए हैं आपका किब्बर गाँव में। जो आपको ये सभी बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये लोगों के घर हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे मड हाउसेज ही होते हैं, क्योंकि मौसम की वजह से लोगों को ऐसे घर बनाने पड़ते हैं क्योंकि अंदर से सर्दियों में काफ़ी वार्म रहते हैं। सर्दियों तो खैर यहाँ पे पूरा एंटायरली एयर ही रहती है, लेकिन स्नो के टाइम में काफ़ी इनको हेल्पफुल होता है। जो आपका इनका बेस फर्स्ट बिल्डिंग जो दिख रही है, ये यहाँ पे लोग खुद रहते हैं और इसके नीचे इनके जानवर वगैरह रखते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाँव है ये। तो अभी जो आपको ये जगह दिख रही है, हम इस टाइम पे हैं नाको में और ये ताशीगांव विलेज है। और आगे जब हम जहाँ पहुंचेंगे वहां से आपको दिखेगी की मोनेस्ट्री। आएगा आपका की मोनेस्ट्री। ये रही आपकी की मोनेस्ट्री, स्पीति नदी और ये पिन बाबा रेंज।